LAC पर तैनात हुई किलर मिसाइल, चीन के मिलिट्री सेंटर पर बनाया निशाना। भारत ने POK के लिए तैयार किया स्पेशल मिसाइल, चीन के भी घर में घुसकर करेंगे वार। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिसाइल निर्माता कंपनी यानी कि भारत डायनामिक्स की तरफ से सुनने को मिली। जी हाँ दोस्तों, ये सरकारी फर्म ऐसे हथियारों को विकसित कर रही है जो सीधे चीन की गढ़ में घुसकर वार करेंगी। अब तक तो चीन पाकिस्तान के खिलाफ जारी टू फ्रंट की लड़ाई में DRDO की ओर से ही हथियार बनाए जा रहे थे, लेकिन अब DRDO का हाथ बटाने और सेना को मजबूत करने के लिए भारत डायनामिक्स भी मैदान में उतर चुकी है। खबरों के मुताबिक इन दिनों चीन के खिलाफ जारी निर्णायक जंग में BDL सेना के लिए आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो चीन के सुरक्षा घेरे में घुसकर उसके मिलिट्री कैंप तबाह करने के लिए एक डीप स्ट्राइक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर उसके महंगे मिलिट्री हथियार तबाह कर दे। खबर के मुताबिक यह लंबी दूरी तक मार करने वाली सरफेस टू सरफेस प्रसिजन स्ट्राइक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसे बनाने के पीछे मेन मकसद ये बताया गया कि POK और LAC के उस पार जो फिक्स लाइन टारगेट हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। इन मिसाइलों में खास तौर पर इसरो की ओर से बनाए गए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि पहाड़ी और जंगली इलाकों में भी ये अपने टारगेट को 100% हिट कर सके। इसकी और जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई, बस इतना पता चला है कि ये ट्रक माउंटेड मिसाइल रहेगी, जिसे बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल ऐसी मिसाइलें सिर्फ अमेरिकी आर्मी ही इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें रेथियोन ने बनाया है। इन मिसाइलों को खासतौर पर अफगान वॉर के लिए बनाया गया था, ताकि तालिबानियों के खिलाफ इसका बखूबी इस्तेमाल किया जा सके। आज भी ये मिसाइल सिस्टम अफगान की सरहदों पर तैनात है। अब भारत भी यही मिसाइल बनाकर POK में बसे आतंकी लॉन्च पैड को उड़ाने की सोच रहा है। वैसे इन मिसाइलों में कन्वेंशनल वॉरहेड की बजाय मोनोलिथिक हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगाया जाएगा, जो दूसरे मिसाइल के मुकाबले 1.5 गुना बड़ा धमाका कर देती है, मतलब कि बचने का 9 चांस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अगले साल के आखिर तक ये मिसाइल अपने परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे दोस्तों BDL की इस धमाकेदार मिसाइल को बनाने वाले साइंटिस्ट के नाम एक जय हिंद जरूर लिखें। तो वहीं दोस्तों लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक आंखें दिखा रहा चीन एक बार फिर भारत के मिसाइल स्ट्रेटेजी को लेकर परेशान होता दिखाई दे रहा है। अभी न्यूज आई थी कि रशियन फेडरल सर्विस ने इंडियन एयरफोर्स की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किए गए S-400 की पहली रेजिमेंट भारत रवाना करने की तैयारी कर ली है, जो हवाई रास्ते से अगले महीने के मध्य तक भारत पहुंच जाएगी। हालांकि भारत ने ये डिसाइड किया है कि वो S-400 की पहली रेजिमेंट LAC के बजाय POK से सटे इलाके में तैनात करेगा और दूसरी रेजिमेंट LAC पर डिप्लॉय होगी। खैर ये भी अच्छी बात है कि भारत POK को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर रहा है, लेकिन चीन यहां भारत से S-400 से परेशान नहीं है, वो तो उसके पास भी मौजूद है। तो चीन इस S-400 को निशाना बनाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से परेशान है। जी हां दोस्तों, चीन के ग्लोबल टाइम्स भोपू मीडिया ने ब्रह्मोस को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। आप ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताया गया कि LAC तनाव को भड़काने के लिए भारत जानबूझकर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती LAC पर बढ़ा रहा है। आपको याद ही होगा कि भारत ने फरवरी महीने में ही ब्रह्मोस की कुछ यूनिट लद्दाख के सरहदी इलाकों में तैनात कर दिए हैं, लेकिन अब अतिरिक्त ब्रह्मोस लॉन्चर LAC पर ले जा रहे हैं, जिसके लिए सड़कें चौड़ी करने का विशेष मांग सुप्रीम कोर्ट से किया गया है। हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ हैं कि लद्दाख में अगर चौड़ी सड़कें बनाई गई तो भूस्खलन जैसी आपदा आ सकती है, जबकि सेना का कहना है कि देश का घातक हथियार सीमा पर नहीं ले जाया गया तो फिर चीन को कैसे हराएंगे। रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि सेना को किसी भी वक्त शॉर्ट नोटिस पर जवाबी कार्यवाही करने को तैयार रहना होगा, और यही वजह है कि सेना ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मोस लॉन्चर LAC पर डिप्लॉय करना चाहती है। अब चीन इसी बात से परेशान है कि भारत पहले के मुकाबले बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइल लद्दाख में तैनात कर देगा, जिससे कि चीन के मिसाइल साइलोन से लेकर मिलिट्री सेंटर तक भारत के निशाने पर होंगे और चीन इसे रोक भी नहीं सकता। इसलिए तो चीन की ओर से गुस्से में कहा गया कि भारत अपनी किलर मिसाइल सीमावर्ती इलाके में तैनात करके इस मुद्दे को और भी पेचीदा ना बनाए, इसे शांति से सुलझाया जा सकेगा। दरअसल जब से भारत ने ब्रह्मोस के अतिरिक्त लॉन्चर LAC की तरफ रवाना करने की बात कही है, तब से ही चीन की फटी पड़ी है
और वो जैसे तैसे भारत के ब्रह्मोस को एलएसी पर आने से रोकना चाहता है। चीनी एक्सपर्ट की ओर से भी ये बात कही गई कि चीन की सीमा सुरक्षा पर खतरा होने के बावजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत के ब्रह्मोस को रोकने में आज भी नाकामयाब है। एक बार सुप्रीम कोर्ट से अगर सड़कों की परमिशन मिल जाए फिर देखना भारतीय सेना कितनी ब्रह्मोस चीन के सीने पर जाकर तैनात कर देगी। जय हिंद, जय भारत।